पूरे विश्व में जहां रामलला के विराजमान होने की खुशी मनाई जा रही है, पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है, तो वहीं यह नज़ारा आप देख रहे हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर क्षेत्र का, जहां राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमने बात की भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक दिल्ली प्रदेश रामदास मलिक जी से, जो शोभा यात्रा में सम्मिलित थे और राम भक्ति में लीन थे। जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज इस यात्रा निकाली जा रही है राजेंद्र नगर, बहुत बहुत स्वागत है। शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे देश के अंदर निकल रही है, हर एक राम भक्तों में उत्साह है। और तय दिन से मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिनके अथक प्रयास से ये राम मंदिर का कल प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य के अंदर ये शोभा यात्रा निकल रही है। इसके साथ साथ हमने अन्य राम भक्तों से भी बातचीत की, जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर काफी उत्साहित थे। 100 साल की जो जीत है, हम राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब, पप्पा सेवा समिति और सनातन धर्म मंदिर इसे धूमधाम से मना रहे हैं और इसको ऐसे दिवाली डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं रामलीला में राम बनता हूँ, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं है। ये भगवान श्री राम जी के आने के आगमन के अंदर हमारे को बहुत खुशी है, राजेंद्र नगर की जनता को। ये श्री रामलीला कमेटी की तरफ से ये जो निकाला जा रहा है। जय श्री राम जी, जय श्री राम। रामदास मलिक, आपका नाम सर? उनका नाम, मेरा नाम भी रामदास मलिक है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सर कल 22 जनवरी को रामलला? वही मेरी बात भावना है। अच्छा, तो एक बार नारा लगा दो सर। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, अमित कौशिक, पंडित अमित कौशिक। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये कहना चाहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और क्या नाम लिख रहे हैं इसके लिए, राम रामदास अठावले को के धन्यवाद देता हूँ, और जो क्या नाम लिख रहा बाबा समिति कमेटी है जो, इसको भी धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। इसके उपलक्ष में भंडारा भी है अभी। शोभा यात्रा में कलाकार भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ सीता का रूप धारण किए हुए थे। इसके साथ साथ हनुमान जी, माता पार्वती, शिव जी, श्री राधा कृष्ण आदि के रूप में उपस्थित कलाकार और भी ज्यादा भक्तिमय माहौल बना रहे थे। वही रामदास मलिक जी श्री राम लक्ष्मण और माता सीता स्वरूप कलाकारों से मिलकर भावुक दिखे। ये तो अभी पहला कदम है राम मंदिर का, अभी और भी बहुत मंदिर हैं हमारे। इस मंदिर का तो जो सबूत थे वो जमीन में छुपे हुए थे, बाकी जो मथुरा काशी है उसके सबूतों ऊपर है, साफ दिख रहे हैं। राम जी का आशीर्वाद लेके भगवान से श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि मथुरा काशी भी सद्भाव से, दूसरा समुदाय जो है हिंदी भाव, हिंदू भावना की भावना को ध्यान में रखते हुए, सनातनियों की भावना को ध्यान में रखते हुए आगे आकर दोनों मंदिर सनातनियों को, हिंदुओं को अयोध्या, अपना मथुरा और काशी समर्पित करें, उससे देश में सद्भावना भाईचारा बढ़ेगा। तो 500 वर्ष बाद जो ये राम प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही सर, क्या हमें लगता था कि ये संभव हो पाएगा सर? ऐसा था जो पिछली सरकारें थी उनकी नीयत नहीं थी, जब से माननीय श्री मोदी जी की सरकार आई, सनातनियों में, हिंदुओं में को ये विश्वास हुआ, ये भावना जगी, और उनकी गारंटी भी थी, उन्होंने इस गारंटी को पूरा किया। हिंदुओं की, सनातनियों की भावना को ध्यान में रखते हुए इस कदम को, इस लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हर एक हिंदुस्तानी, चाहे विश्व में हो सनातनी, कहीं भी हो, वह मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार भाटिया है। कहाँ के हैं सर? मैं श्री सनातन धर्म मंदिर का प्रधान हूँ। ओके ओके। और हमें यहाँ ऐसा प्रोग्राम करने का पहली दफ़ा मौका मिला है जी। जो कि कई सालों में
प्रथम बार हुआ है और इसमें अपना ये श्री रामलीला कमेटी और अपना ये अपना क्या कहते हैं राजेंद्र आर्ट्स क्लब और बापा सेवा समिति के सहयोग से ये प्रोग्राम इतना कामयाब रहा है कि कहीं भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हम सबका सहयोग से सबका अभिनंदन करते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम।